जयपुर में लॉकडाउन के दौरान तहसील कार्यालय में निजी वाहनों से दूसरे राज्यों में जाने के लिए अनुमति पत्र दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से कार्यालय में काफी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। पास जारी करने के लिए एकल खिड़की सिस्टम रखा गया था, लेकिन करीब 200 लोगों की लाइन लगी हुई थी। तहसील कार्यालय का जायजा लिया हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा ने। और यहाँ पर खुले आम तौर पर शासन की, राज्य सरकार की एडवाइजरी का धज्जियां उड़ाई जा रही है, ना ही किसी प्रकार का यहाँ पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है या यहाँ पर किसी प्रकार की यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था रखी गई है। इतनी बड़ी महामारी के बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आए हैं किसी न किसी काम को लेकर के, अपनी अपनी अनुमति को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी प्रकार के जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं। यहाँ को लोगों के हाल पर ही छोड़ दिया गया है। और यहाँ पर जब हम डाउन टू अर्थ यहाँ पर पहुंचे मौके पर रिपोर्ट करने के लिए, यहाँ पर देखा गया कि किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही है। आइए हम यहाँ से मौजूद लोगों से जानना चाहेंगे किस लिए आए हैं और यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। थोड़ा सा ये कमियां है कि यहाँ जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट ले रहे हैं बहुत डिले काम हो रहा है। वो एक घंटे में एक व्यक्ति का अगर डॉक्यूमेंट लेंगे तो पब्लिक तो लाइन लगाएगी, और भूख भी इतनी तगड़ी है वो क्या करेगा, जगह तो कमी है ना। आप कितने देर से खड़े यहाँ पर? मुश्किल से एक घंटा हो गए हैं। एक घंटा हो गया। और ये कितने से कितने देर की यहाँ पर समय की अनुमति मिली है? सुबह से चालू हो जाता है 9 बजे के आसपास से, और वो अभी तक चल रहा है 4 बजे तक चल रहा है। सुबह से खड़ा और प्राय 2 घंटा हो गया, तो 2 घंटा में अभी 2 आदमी हुआ है। हम लोग बोला वहाँ से, उस टाइम बोला हम लोग जल्दी जल्दी कर लीजिए, तो अभी तक कोई ही नहीं है। वो ऑनलाइन सिस्टम चालू, दूसरे राज्यों में ऑनलाइन सिस्टम चालू हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। सिर्फ फॉर्म लेके बैठे, एक बार कलेक्टर ऑफिस में गया, बोलते हो तहसील ऑफिस जाओ, तहसील वाला बोलते कलेक्टर ऑफिस जाओ, यही कागज लेके इधर से इधर यही घूम रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों में गुस्सा है। लोगों में इस प्रकार का कहना है कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार का जिम्मेदार अधिकारी नहीं है, यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं कराई गई है, चाहे वो यहाँ पर काम को लेकर के, अनुमति को लेकर के, ना ही ऑनलाइन सुविधा कराई गई है। और यहाँ पर ऑनलाइन सुविधा नहीं होने के बावजूद जब यहाँ पर SDM कार्यालय लोग आकर के पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर किसी प्रकार के जिम्मेदार अधिकारी नहीं है, इनका काम लटका पड़ा है। और इतने देर से सैकड़ों की संख्या पर लोग यहाँ पर मजबूर हैं चिपक कर खड़े होने के लिए, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कराई गई है। कैमरामैन चोलाराम के साथ शिवम मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। छत्तीसगढ़।